नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार महतो सर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आते हम लोग टू द पॉइंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब में। अब बोल रहा है जब हम एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में तो क्या होगा। क्या द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेंस द सेम, अ सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। फर्स्ट में टेम्परेचर बढ़ेगी, अ टेम्परेचर घटेगी, अ टेम्परेचर सेम रहेगी, या सॉल्ट एसिड और बेस सॉल्यूशन को मिलाने पे सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट पे आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। तो कंसेप्ट में समझना ये है कि जब एसिड को हम लोग क्या करेंगे, बेस के साथ मिक्स करेंगे, तो हमेशा याद रखना क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक चीज़ ध्यान देना हमेशा, यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर हमेशा क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा टेम्परेचर हमेशा। और याद रखना जब भी व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एस टेम्परेचर बढ़ेगा, और साथ साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन नहीं गलत, बी में वन एंड थ्री ऑप्शन गलत, सी में टू एंड थ्री ऑप्शन, डी में वन एंड फोर। तो याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, वन और फोर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या टिक करवाना है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द नेम ऑफ कंपाउंड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू डैश सिंगल बॉन्ड सी एच ओ इज डैश प्रोपेनल प्रोपेनॉन इथेनॉल और इथेनॉल। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, याद रखना हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम को। तो वन टू थ्री, टोटल कितना हो गया, थ्री कार्बन। तो याद रखना फर्स्ट कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं मीथ, सेकेंड कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं ईथ, थर्ड कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं प्रॉप। अब हमेशा याद रखना यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम है, थ्री। तो थ्री को आप लिखोगे क्या, प्रॉप। याद रखना सी एच ओ जो एक फंक्शनल ग्रुप है किसका, याद रखना एल्डिहाइड का, किसका, एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड में जो हमेशा ध्यान देना कि सफिक्स में यूज किया जाता है क्या, ये एल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपेन में ये एल यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, क्या बनेगा, प्रोपेनल। तो आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉपर मेटल सरफेस रिएक्ट विद एयर एंड बेसिक बेस लेयर इज फॉर्म आउट। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि जब भी आप कॉपर को क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेना कि कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। एंड एज अ रिजल्ट कॉपर वेसल लॉसेस इट्स साइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो याद रखना उसका जो कॉपर का पहला जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन, वो धीरे धीरे हटते जाता है और कौन सा फॉर्म में आ जाता है, ग्रीन कलर में, ग्रीन लेयर में आ जाता है, कौन, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में डैश इज एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सबसे पहले अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड क्या होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमेशा ध्यान देना हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो होता है ओनली वन होता है क्या, अल्केन, क्या होता है, अल्केन। और इसका सफिक्स में यूज किया जाता है ये एन ई, इसमें जो होता है वो हमेशा याद रखना क्या होता है, एल्कीन, एल्कीन होता है, और इसमें क्या होता है, अल्काइन।
एल्किन में सफिक्स में यूज किया जाता है ई-एन-ई, और अल्काइन में सफिक्स में यूज किया जाता है वाई-एन-ई। ध्यान रखना कि एल्केन जो होता है इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड से डिनोटेट करते हैं, सिंगल बॉन्ड। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब आपको क्या करना है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करना कि सेचुरेटेड होगा अनसेचुरेटेड। तो एक बेसिक कंसेप्ट याद रख लेना कि एल्केन को जब भी फाइंड आउट करोगे तो याद रखना जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका डबल में +2 कर दोगे, क्या फाइंड आउट होगा, एल्केन। क्या फाइंड आउट होगा, एल्केन। तो याद रखना इसमें क्या होगा, एल्केन होगा, ये क्या होगा। तो चलो जनरल फॉर्मूला में क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम को पुट करते हैं। टू है तो क्या रखेंगे यहाँ पे, टू, इसमें भी 2 × 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H4 विल बी करेक्ट आंसर। तो कंसेप्ट के साथ समझते चलना, जिसे भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा नोट डाउन करते हुए चलना, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आयनिक कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन पेट्रोल। क्या आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में इनसोल्युबल होता है या सोलूबल होता है पेट्रोल में, तो ध्यान रखना ये आंसर क्या हो जाएगा गलत। हमेशा याद रखना आयनिक कंपाउंड सोलूबल इन वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पीएच इक्वल टू 4 इंडिकेट बेसिक स्ट्रक्चर। तो याद रखना पीएच के, पीएच स्केल होता है, क्या होता है पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना पीएच का डिस्कवर किया गया था इसके द्वारा, एस सोरेनसन के द्वारा, एस सोरेनसन के द्वारा। याद रखना पीएच स्केल में जो टोटल नंबर ऑफ पीएच स्केल जो होता है, तो याद रखना 0 to 2 लाइज करता है स्केल में कितना, 14। याद रखना बीच में जो होता है 7, 0 to 7 जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, एसिड। क्या कहते हैं, एसिड। और 7 to 15 जो होता है उसे हमेशा याद रखना उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेसिक। एसिड भी कितने होते हैं, 2 टाइप्स के, वीक एसिड होता है और एक हमेशा याद रखना कितना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो एसिड होता है वो 0 to 4 के बीच में जो भी वैल्यू लाइज करता है उसे कहते हैं एस, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ध्यान में याद रख लेना कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कौन कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और याद रख लेना HNO3 होता है, और साथ में क्या होता है, HCl। अब मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से समझना, इसमें 0 से 7 के बीच में क्या होगा, एसिड, तो बेस हो सकता है क्या, आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो ये कंसेप्ट को जिसे समझ में आया वो क्या करो, लाइक करो, और जिसे समझ में नहीं आया वो एक बार और क्या करो, वीडियो को पॉज करके एक बार और देखो, कंप्लीटली तरीका क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट नंबर 2 हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 2 में भी 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। इसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, सो इट इज इन नेचर में। क्या वो बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट में जो होता है वो याद रखना नेचर में क्या होता है, बेसिक। क्या होता है बच्चों, बेसिक। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaPO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोग सीरीज। तो याद रखना सेम होमोलोग सीरीज कौन नहीं बिलोंग करता है, तो याद रखना यहाँ पे C2H6 है, तो ये कौन सा होमोलोग सीरीज है, एल्केन का। कैसे मैंने फाइंड आउट कर लिया, चुटकी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 है, तो कार्बन 2 है, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये किसका होता है, एल्केन का होता है। तो एल्केन का जो होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, C2H6। अब 3 यहाँ पुट करोगे तो C3H6, C4H8। लेकिन क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एल्केन है, C3 क्या होगा, C3 × C3 CH3
एच टू इंटू थ्री प्लस टू, तो ये देखो 3 6 + 8 होना चाहिए, लेकिन 8 है नहीं, तो इसमें से कौन सा बोल रहा है होमोलोग सीरीज में नहीं आएगा, तो याद रखना इसमें से होमोलोग सीरीज में कौन नहीं आएगा, तो सी टू एच टू आ रहा है, एच फोर एट आ रहा है, 3 2 6 आ रहा है, और ये आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, पूरा फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, पूरा इन डैश कंपाउंड ओ एच इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ, तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप जो होता है टोटल मैंने बताया था कि आपको अभी पढ़ना है 7, ओ एच को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कोहल, इसे क्या कहते हैं, अल्कोहल, याद रखना सी एच ओ को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, याद रखना सी डबल ओ एच को क्या कहते हैं, कार्बोजलिक एसिड, क्या कहते हैं, कार्बोजलिक एसिड, याद रखना आपको जो है एल्केन एल्कीन ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन एक को कहते हैं और एक को क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं और एक को क्या कहते हैं अल्काइन कहते हैं, आपको ध्यान देना है यहाँ पे एक और होता है सी ओ, एक इसका है कीटोन का, क्या है कीटोन, तो बताओ ओ एच जो है वो है किसका, एल्कोहल का, तो एल्कोहल का हमेशा सफिक्स में यूज किया जाता है ओएल, क्या यूज किया जाता है ओएल, क्या किसी में ओएल है, हाँ किस में है, ब्यूटन में, याद रखना ब्यूटेनॉल जो है वो फंक्शनल ग्रुप ओएच में का सफिक्स यूज किया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते, बोला सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, सो दिस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड, देखो जब भी सिल्वर को हम लोग रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड प्लस रिलीज होगा क्या, हाइड्रोजन गैस, तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, क्या होता है ब्लैक कलर बनता है लॉन्ग टाइम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एयर डिक्रीज इफ डिप इन HNO3, हो रहा है क्या रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम का डिक्रीज हो जाता है, यदि आप क्या करते हो नाइट्रिक एसिड में डालते हो तो, यस, जब व्हेन एल्यूमिनियम इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड या लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन द मेटल, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू, आंसर क्या होगा बच्चों ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, वनीला इज नॉट या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो याद रखना वनीला जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑल, तो यहीं पर याद रख लेना क्या हो जाएगा ये फॉल्स, तो वनीला क्या होता है, तो देखो दोज सबस्टांस व्हिच स्मेल ओडर या चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी, और इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ हमेशा ओनियन और वनीला होगा, तो याद रखना ये जो था वो फॉल, क्या है बच्चों फॉल, क्योंकि वनीला जो एक बेस्ट एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो जब भी आप क्या करोगे सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट टू बी बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, तो याद रखना वी नो दैट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या होता है अस्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है अस्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बेस भी क्या होता है टूट है, एसिड एक होता है अस्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है अस्ट्रॉन्ग बेस, तो याद रखना बेस का पहचान हम लोग करते हैं OH-, तो इसमें क्या है OH है, तो ये क्या कहलाएगा बेस, तो याद रखना ना कि सबसे पहले क्या होगा अस्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तब बोला जा रहा है कि वी नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना सॉल्ट बिकाउज इट इज अ सॉल्ट ड्राइव फ्रॉम द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें कौन सा ऐसा होगा वीक एसिड वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो याद रखना ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग के कारण क्या होता है सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को याद रख लेना HCl3,
इसका जो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 209 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट में डैश पार्ट ऑफ टॉप इज हाइड्रोफोबिक। याद रखना जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाइड्रोफोबिक में हमेशा क्या आता है, टेल, क्या आएगा, टेल। और हाइड्रोफिलिक में हमेशा क्या आएगा बच्चों, हेड, क्या आएगा, हेड। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि ये जो है हाइड्रोफोबिक है इसलिए इसमें क्या आएगा, टेल, और हाइड्रोफिलिक है तो इसमें क्या आएगा, हेड। तो इसमें हाइड्रोफोबिक में क्या आता है, टेल, तो टेल क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कलर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड इज, तो याद रखना कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो होता है टू पार्ट होता है। क्यों मैं बोलना सोचू, एक को कहते हैं हम लोग कॉपरस, क्या कहते हैं, कॉपरस, और एक हम लोग कहते हैं कॉपरी, क्या कहते हैं, कॉपरी। अब याद रखना क्यूप्री कहते हैं, क्यूप्री, तो याद रखना ना कॉपरस में जो होता है वो वैलेंसी कितना होगा बच्चों, तो याद रखना कॉपरस में वैलेंसी क्या होगा, वन होगा, वैलेंसी क्या होगा, वन होगा। और क्यूप्रिक में कितना होगा, टू होगा, जिसका वन होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, क्यूप्रस, क्या कहते हैं, क्यूप्रस। तो याद रखना ये कौन सा कलर में होगा, रेड में, और जिसका वैलेंसी टू होगा उसे हम लोग क्यूप्रिक कहते हैं, और वो हमेशा किस में होगा, ब्लैक में होगा। तो याद रखना इसमें वैलेंसी कितना लिखा हुआ है, टू, तो इसके लिए आपको इजी हो जाएगा कि जिसका वैलेंसी टू होगा उसका कलर ब्लैक होगा, जिसका वैलेंसी वन होगा जिसका कलर क्या होगा बच्चों, तो ध्यान देना रेड होगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, टू है तो होगा क्या, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ट्रू और फॉल्स, बोरान मैग्नीशियम और मैग्नीज कैन रिएक्ट विद डायल्यूट HNO3। यस, जब भी आप मैग्नीशियम को, याद रखना मैग्नीशियम को क्या करोगे, HNO को से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा पता है, MgNO का होल डिवाइड। इसी तरह आज रख लेना जब मैग्नीज से आप क्या करोगे, इसे रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा पता है आपको, मैग्नीज HNO3 का होल डिवाइड। तो आज रखना इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। स्ट्रेन ऑफ करी वन या वाइट क्लॉथ बिकाउज ए बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन टॉप इज स्क्रब ऑन इट। जब भी आपको कोई भी करी इस पे पड़ जाएगा तो याद रख लेना ये कलर क्या हो जाता है, चेंज। जैसे टर्मरिक टर्न्स रेड ऑन कॉन्टैक्ट विथ या बेस, टर्मरिक क्या होता है, पूरा टर्मरिक टर्न्स रेड किसके कॉन्टैक्ट में, याद रखना बेस के कॉन्टैक्ट में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो याद रख लेना ये भी क्या हो जाएगा आंसर में, ट्रू, क्या होगा बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। याद रखना सेट नंबर ये क्या होगा, फोर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ या डायलूट एसिड। क्या जब आप क्या करते हो सब्सटेंस को, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डायलूट एसिड। तो मार्बल, तो याद रखना ना मार्बल और लाइम स्टोन हर दोनों प्रोड्यूस होता है क्या, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रख लेना बेकिंग सोडा भी क्या होता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ क्लास। तो याद रखना लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट करोगे किससे, HCl से, तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे याद रखना कभी भी प्रोड्यूस क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, O2। याद रख ले आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लाइम, आंसर क्या हो जाएगा, लाइम, यानी ऑप्शन नंबर ABCD मानोगे तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट, तो दीज आर क्या होगा। अब इथेनॉल क्या होता है बच्चों, तो C2H5OH2 जब रिएक्ट करोगे किसके साथ में, सोडियम के साथ में, तो क्या बनेगा पता है, 2H5ONa। हम लोग कहते हैं क्या, इथो ऑक्साइड, क्या कहते हैं बच्चों, इथो ऑक्साइड, क्या होगा, इथो ऑक्साइड। तो सोडियम इथो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
फ्लोराइड डैश इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। याद रखना यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों 2 और 5, तो नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा याद रखना 2। तो ये था नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ध्यान ये देना है ये होता है नाइट्रोजन मोलिकूल, क्या होता है नाइट्रोजन मोलिकूल, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है मोलिकूल्स का, तो याद रखना नाइट्रोजन मोलिकूल्स का फॉर्मूला होता है N2। यहाँ पे जो होगा वो याद रखना शेयरिंग किया जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन का, तो नाइट्रोजन का मैंने बताया यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 3, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 3। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि नाइट्रोजन को क्या करने के लिए अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर करेगा किसके साथ में नाइट्रोजन के साथ, तो 3 इधर हो गया और 3 2 और 2 8, टोटल कितना हो गया ये 8 हो गया और ये क्या हो गया 8। अब मैं बताया था कि वन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड, टू पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं डबल बॉन्ड, और थ्री पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखना यहाँ पे वन पेयर टू पेयर थ्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों क्या हो जाएगा नाइट्रोजन मोलिकुल्स का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप इसी तरह बनाओगे ही होंगे, आपको पता आई होगी। और चलो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। पुरैया थिन कोटिंग ऑफ जिंक इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, सो दिस मेथड इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, जब भी याद रख लेना जिंक पे क्या किया जाएगा कोट किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या गल्वनाइजेशन, क्या कहते हैं गल्वनाइजेशन। और पेंटिंग किस पे किया जाता है आयरन पे, क्यों किया जाता है आयरन पे पेंटिंग, ताकि वो क्या हो याद रखना रस्टिंग से बच पाए, तो ये क्या होगा गलत आंसर। और ये ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है, एयर के कॉन्टैक्ट में भी क्या होता है जिंक यानी आयरन मेटल चीज़ें क्या होती है रस्ट हो जाती है, तो ये याद रखना आंसर क्या हो जाएगा गल्वनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, रहा है कि आयनिक कंपाउंड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नहीं याद रखना आयनिक कंपाउंड के पास जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग, तो याद रखना ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, पूरा पीएच इक्वल टू होता है लॉग H3O प्लस, गलत याद रखना ना जब भी पीएच का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप ध्यान में देना कि फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यदि यहाँ माइनस नहीं तो क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, तो माइनस यदि क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अब सेक्शन नंबर हम लोग किस में जाएंगे 5 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें से कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स एल्केन, एल्केन मीन्स क्या बच्चों, तो एल्केन मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2 यानी 3 का डबल होना चाहिए, तो याद रखना ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा क्या, याद रखना कंपाउंड नहीं 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 और ये क्या होगा 2 और H, पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड, तो याद रखना ना ये तो नहीं होगा पर डबल है 2 4+2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा सही क्यों, तो देख जनरल फॉर्मूला था CnH+2+, अब मैं बोल रहा हूँ C3 होगा, फिर C3 क्या होगा और C3+ क्या होना चाहिए, ये क्या होता सैचुरेटेड कंपाउंड, प्लस 6 का ये भी 2+2 4 ये भी नहीं होगा C3, ऑप्शन में मैं भी यहाँ पे क्या हो रहा है मिक्स, तो फॉर्मूला होना क्या चाहिए सोचो 2H2+ क्या होना चाहिए, तो C2+H4+2 होता तो H6 फॉलो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन यहाँ गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, पूरा विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा वनीला एसेंस, देखो वनीला एसेंस इस प्रकार का यूज किया जाता है एसिड और बेस को फाइंड आउट करने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ
एसिटिक इन योर वाटर। तो याद रख लेना, विनेगर का जो टोटल सॉल्यूशन होता है 5 से 8% एसिटिक इन वाटर में। तो यहाँ पे भी मैं सॉल्यूशन लेते आया हूँ कि विनेगर इज द फर्मेंटेड ऑफ डिस्टिल एल्कोहल, तो विच डायल्यूट टू प्रोड्यूस या कलरलेस सॉल्यूशन 5 to 8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 to 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, प्रोड्यूस नॉन मेटल इज लिक्विड। तो ध्यान देना हमेशा कि यहाँ पे मेटल नहीं पूछा, यदि मेटल पूछा जाता तो याद रखना मेटल जो होता वो लिक्विड होता है, क्या क्या होता है, मर्क्यूरी। लेकिन यहाँ नॉन मेटल पूछा जा रहा है तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ब्रोमीन ही एकमात्र ऐसा है नॉन मेटल जो क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हो रहा है क्या, स्टमक प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, गलत। हमेशा मैंने पढ़ाया हूँ कि स्टमक जो होता है हमेशा प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या, HCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। यस, हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, वन। वन को किसी को क्या कर देगा, याद रखना, शेयर करेगा, शेयर करेगा तो जीरो। तो आ तो किसी से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेगा तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट। तो हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, इसलिए नॉन मेटल। स्टिल इट्स प्लेस इन द क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, हाइड्रोजन याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज में हमेशा हाइड्रोजन क्या होता है, बिकॉज इट कैन बी लॉस ऑन इलेक्ट्रॉन। यस, केवन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजिली कंपेयर टू में अदर से। मान लो हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, वन, और क्लोरीन के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, तो सेवन है, सेवन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस क्या करता हूँ, नोट करता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इसे इसे जो है कंप्लीट फुल करने के लिए, कंप्लीट सेल को फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वन इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर देगा, शेयर। क्या बन जाएगा पता है, एच क्लोरीन। अब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल, तो ये बन जाएगा एच सी। क्या बनेगा, एच सी। अब इसी तरह से हमेशा याद रख लेना कि हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो याद रख लेना क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी ये टू होगा ऑप्शन। सेट नंबर क्या होगा, सिक्स। सेट नंबर सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज। तो याद रख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, टैट्रिक एसिड यहाँ पे क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। टिक लगा के आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लोरीन रिएक्ट विथ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द, तो याद रखना हमेशा क्लोरीन क्या होता है, रिएक्ट करता है किसके, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो मीथेन है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो याद रख लेना क्या बनेगा, CH3Cl+ क्या, देखो HCl। क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा, HCl, किसके प्रेजेंस में, तो याद रखना प्रेजेंस देना पड़ेगा, सनलाइट, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे सनलाइट क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। आप टिक लगा के क्या करोगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फुल याद रखना फॉर्मूला होता है H2। क्या होता है बच्चों, H2। याद रखना हाइड्रोजन का जो होता है वो हमेशा याद रखना कितना होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, याद रख लेना। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बने, एक इलेक्ट्रॉन का ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एट, और इधर भी हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, टू। इधर भी हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, टू, और दोनों कंप्लीट मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि 2 4 2 6 8 हो गया ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास 2 और हाइड्रोजन के पास 2। इस तरह से आपको क्या रहता है, वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, पूरा कि एन अलाव इज डैश या कंपाउंड एन एलिमेंट या होमोजीनियस। याद रख लेना, जब भी अलॉय होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर के साथ में क्या बनता है, हेलो। जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर,
तो मेटल को क्या किया जा रहा है, उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंट को डाल के बनाया जाता है। अब देखो होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कॉफी, तो कॉफी में आपको एक चीज नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम है शुगर। शुगर क्या हो गया बच्चों, इसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया। कम्प्लीटली क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। तो याद रखना इसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ याद रखना, शुगर है और कुछ में क्या है, चिप्स है, लेकिन आपको दोनों दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखना एलाव जो होता है वो हमेशा याद रखना क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। आपको क्या करना है, लिखते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मेटोलाइट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। यस, मेटोलाइट्स में बताया था क्या होता है बच्चों, तो मेटोलाइट्स हमेशा ध्यान रखना मिक्स ऑफ क्या होता है, मिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन, मिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटोलाइट्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। आंसर में आप क्या लिखोगे, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते, द स्केल टू मेजर एच प्लस प्रेजेंट इन सोल्यूशन द कॉल ऑफ एसिडिक एसिड। यस, याद रखना एच प्लस को हम लोग स्केल को यूज किया जाता है एसिड को फाइंड आउट करने में, और ओ एच माइनस को यूज किया जाता है किस लिए, तो याद रखना ओ एच माइनस को यूज किया जाता है बेस को फाइंड आउट करने। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट। याद रखना हम लोग लास्ट इन फाइनल सेट नंबर में जाते हैं, किसमें, सेवन में। आगे चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। तो याद रख लेना गैस्ट्रिक जूस जब आप क्या करोगे, यूज करोगे, उस समय जो डाइजेशन में रिलीज करेगा वो हम हमेशा याद रखना लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए बच्चों, सेवन। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एक तरह से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। तो एसिड का कितना पीएच वैल्यू लाइज कर सकता है, तो जीरो से सेवन के बीच में हो सकता है। तो जीरो के सेवन के बीच में इक्वल टू सेवन तो नहीं हो सकता, एसिड इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता है। तो याद रखना है HCl का टोटल जो होता है 1.5 से लेकर 3.5 क्या होता है, लाइज होता है। इसीलिए मैं ये ऑप्शन क्या कर लिया, ठीक। तो आपको भी इसी तरह से क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द हेट्रो आइटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, इसमें टोटल हाइड्रो आइटम कितना है, तो मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से समझ लेना। कार्बन और हाइड्रोजन क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन, और जो रेस्ट बच गया उसे हम लोग कहते हैं हेट्रो आइटम। तो रेस्ट कौन सा बचा, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या कहलाएगा, याद रखना हेट्रोकार्बन। तो देखो इसमें ऑक्सीजन है और साथ साथ में क्लोरीन, तो वन और फोर्थ जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर। तो वन फोर डी में, तो ये क्या होगा, डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हो रहा है क्या, पेंटेन हैज द मोलिकुल लर फॉर्मूला C2H12 इट हैज। अब याद रखना पेंटेन जो है ये क्या है बच्चों, हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला। याद रखना पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो आप सही कर लेना। अब देखो इससे क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। टोटल कार्बन कितना है, 5। टोटल कार्बन कितना है, 5। इसमें टोटल कितना हाइड्रोजन है बच्चों, कंस्टेंट कंस्टिट्यूएंट इसमें 12, तो 12 हाइड्रोजन। ये आपका क्या हो गया, टोटल 12 हाइड्रोजन। अब 12 हाइड्रोजन में आपको देखना है कि कितने कोवलेंट, तो सबसे पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अरे यहाँ पे छूटा। तो याद रख लेना टोटल कितने थे कोवलेंट बॉन्ड, 16। तो इसका थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर 16 हो जाएगा। आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर में लिख के और काउंट कर लोगे, आएगा आपका आंसर क्या, 16। तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश कैन अंडरगो द केमिकल रिएक्शन। तो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि ये जो केमिकल रिएक्शन बनाया जाता है वो किससे, रिएक्टिविटी। मैंने बताया होगा हमेशा कि आप क्या करोगे, आयरन को आप क्या करोगे बच्चों, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करोगे। तो याद रखना क्या बनेगा, तो याद रख लेना यहाँ पे बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर क्या होगा डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस। तो याद रख लेना ओनली पॉसिबल क्या है, कॉपर सल्फेट।
प्लस क्या है फी, क्योंकि आयरन को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराओगे तो बनेगा क्या, आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो रहा है क्या, ट्रू और फॉल्स, मैग्नीशियम रिएक्ट विगरसली विथ या कोल्ड वाटर, यस। मैग्नीशियम क्या करता है बच्चों, ध्यान देना, मैग्नीशियम विगरसली रिएक्ट करता है किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में। ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू, ये आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते, कार्बोनिक एसिड डज नॉट मेक द एसिटिक एसिड, यस। याद रखना कार्बोनिक एसिड जो होता है वो एसिटिक सॉल्ट नहीं बनाता है, क्या बनाता है, तो याद रखना ये बनाता है ट्रिक एसिड, क्या बनाता है बच्चों ट्रिक एसिड, क्या बनाता है, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इट इज अ वीक एसिड, इट डज नॉट फॉर्म या एसिडिक सॉल्ट, क्या बनाता है वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है डज नॉट मेक द एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, तो याद रख लें ये क्या बनाता है ट्रिक एसिड, ये बनाता है क्या एसिडिक। अब ये था लास्ट क्वेश्चन आपके सीरीज का, तो याद रखो दोस्तों हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में बहुत ही जल्द आपके साथ रूबरू, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो जिन जिन स्टूडेंट के यानी जो क्लास टेंथ में होगा वो अपने साथियों के साथ अपने फ्रेंडशिप के साथ को शेयर करो, लाइक करो और क्या करो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को, इससे क्या मिलेगी मोटिव, तो हम लोग क्या करेंगे और प्रयास करेंगे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।